दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के सिंग हुआ डालो, क्योंकि मैं आपको अपडेट रखने वाला हूँ गेमिंग न्यूज से ऑलमोस्ट डेली। बैम बूम प्रिंट दोस्तों, मैं हूं गोल्डी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की गेमिंग न्यूज में। कैसे हो, क्या पोजीशन है? तो शुरुआत करते हैं गॉड ऑफ वॉर की न्यूज से। अगर आप गॉड ऑफ वॉर लेकर उसके अंदर सारे पिशाचों का सफाया करना चाहते हो एक अच्छे आर्मर सेट के साथ में और एक अच्छी शील्ड के साथ में, तभी हो पाएगा जब आप प्री ऑर्डर करोगे डिजिटल डिलक्स एडिशन। यस, डिजिटल डिलक्स एडिशन अगर आप लेते हो, प्री ऑर्डर करते हो, तो अभी हाल फिलहाल आपको मिलने वाला है एक आर्मर सेट नया जो क्रेटोस पहना होगा, और एक शील्ड आपको मिलने वाली है, एकदम ही कस्टम शील्ड होगी वो। अब ये भी साफ नहीं है कि अगर आपने रिलीज डेट के बाद में अगर डिजिटल डिलक्स एडिशन लिया तो भी आपको क्या वो मिलने वाला है, होपफुली शायद मिले हो। PS4 की आपको एक डायनामिक थीम मिलने वाली है और आपको एक डिजिटल आर्ट बुक मिलने वाली है डार्क हॉर्स की तरफ से। इसके अलावा भी आपको एक डिजिटल कॉमिक्स मिलने वाली है अगर आप डिजिटल डिलक्स एडिशन ऑर्डर करते हो गॉड ऑफ वॉर का, तो बहुत ही सही सैड न्यूज है। अब हम सबको एक्सेप्ट करना ही होगा कि DLCs प्री ऑर्डर करोगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, ये अब एक सच्चाई है गेमिंग दुनिया की, इससे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। पर इसीलिए तो इन लोगों ने मार्केटिंग टीम बैठा रखी है भाई, जो थॉट्स को डायसेक्ट करते हैं, बोलते हैं भाई कैसे भी डबल ट्रिपल पैसा मांगता है। AMC वालों की द वॉकिंग डेड सीरीज अब आने वाली है गेम्स के रूप में, वो आपको मिलेंगी iOS और एंड्रॉयड में। नेक्स्ट गेम्स डेवलपर्स जो हैं वो इनको बना रहे हैं और बहुत जल्द iOS और एंड्रॉयड में आने वाली है ये। मुझे लगता नहीं कि एक एंट्री लेवल के मोबाइल में चलेगी, मुझे लगता है इसके लिए आपको बहुत हाई एंड मोबाइल चाहिए रहेगा, पर बहुत जल्द इसका रिवील हो जाएगा। मेरे ख्याल से GDC होने वाला है नेक्स्ट वीक, 19 तारीख से स्टार्ट होने वाला है GDC, गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें हमें इसका और गेम प्ले देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता चलूं कि ये ऑगमेंटेड रियलिटी गेम है, आपने सुना होगा पोकेमॉन गो के बारे में, और उसी तरह से सेम यही वाला गेम भी द वॉकिंग डेड AR ऑगमेंटेड रियलिटी वाला ये जो आने वाला है, ये गूगल मैप्स यूज़ करेगा और ऑगमेंटेड रियलिटी के रूप में आप ये गेम आपके लिए चलने वाला है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। तो वो देखना होगा कैसा होता है ये गेम लॉन्च के बाद। टूम रेडर आपको कैसा गेम लगता है? मुझे तो बहुत ही जबरदस्त गेम लगता है। PS1 के टाइम से मैं टूम रेडर गेम्स का फैन हूँ, कसम से। PS1 के गेम्स तो इतने खतरनाक होते थे टूम रेडर वाले कि आपको कुछ मालूम नहीं होता था कहाँ जाना है। आजकल के गेम्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं, पहले के गेम्स बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करते थे, आपको खुद पता करना होता था कहाँ जाना है, क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो उसमें ज़्यादा आपका दिमाग लगता था। आज की चीज़ आपको पहले ही बता देती है कहाँ जाना है, क्या आपको कलेक्ट करना है स्टोरी के रूप में। पर कोई बात नहीं, शैडो ऑफ टूम रेडर नया गेम आने वाला है इस साल 14 सितंबर 2018 को। 27 अप्रैल को हमें इसका फर्स्ट गेम प्ले ट्रेलर रिवील होकर देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि पिछले टूम रेडर जैसा ना हो राइज ऑफ टूम रेडर, जहाँ एक्सबॉक्स वन वालों को बहुत टाइम पहले ही खेलने मिल गया था और PS4 और PC वालों को बहुत ज़्यादा रुकना पड़ गया था, तो मैं चाहता हूँ कि वैसी कोई चीज़ ना हो, टाइम्ड एक्सक्लूसिव ना खेलने मिले किसी पर्टिकुलर एक कंसोल को, चाहे वो PS4 वाले बंदे हों चाहे वो एक्सबॉक्स वाले बंदे हों। और मैं चाहता हूँ सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे PS4 एक्सबॉक्स वन और PC पर ये एक ही डे रिलीज होना चाहिए। आपके क्या थॉट्स हैं यार, आपको कैसा, आपको क्या लगता है जब कोई एक गेम टाइम्ड एक्सक्लूसिव हो जाता है? तो अगर कोई एक्सक्लूसिव है तो समझ में आता है, ठीक है गॉड ऑफ वॉर पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव है तो वहाँ तो एक बात समझ में आती है, पर टाइम्ड एक्सक्लूसिव जो गेम हर प्लेटफॉर्म पे आ सकता है वो फिर भी रोका जाता है पैसा देकर किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए, वो मुझे खराब लगता है। आपके क्या थॉट्स हैं जरूर आप लिख के बताइएगा। एल्डर स्क्रॉल्स 5 स्काइरिम रिलीज होने वाला है VR एडिशन फाइनली PC पे। कॉन्सोल्स पे तो ये रिलीज हो चुका काफी टाइम पहले, और 3,000 रुपये का ये गेम मिलने वाला है, कम्प्लीटली VR एक्सपीरियंस का इस गेम का रहने वाला है, और आप इसे मिक्स्ड विंडोज रियलिटी में चला पाओगे, ऑक्यूलस रिफ्ट में चला पाओगे और HTC Vive में चला पाओगे। भाई साहब मुझे नहीं मालूम स्काइरिम के फैन हो क्या आप, मुझे बताना स्काइरिम आपको कैसा लगता है। साथ साथ मेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके जितने भी 3 एड ऑन है एल्डर स्क्रॉल्स 5 स्काइरिम के, ये साथ में आने वाले हैं 3,000 रुपट्टी में। वैसे तो मुझे लगता है प्रीमियम पास, सीजन पास, थुरियम पास ये सब होना ही नहीं चाहिए, 3,000 रुपये में प्रीमियम पास भी मिलना चाहिए, गेम भी पूरा का पूरा मिलना चाहिए भाई साहब। एक बार फिर से फिल स्पेंसर एक्सबॉक्स के हेड, उन्होंने कहा है कि क्लाउड गेमिंग डेफिनेटली एक फ्यूचर है जो बड़े से बड़े गेम को, चाहे वो कितना ही बड़ा गेम हो, स्ट्रीम कर सकती है एनी डिवाइस पे। बेसिकली क्लाउड गेमिंग का मतलब यह है कि गेम आपके डिवाइस में नहीं होगा, गेम क्लाउड पर सेव होगा, वहाँ से वो स्ट्रीम होगा आपके किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे, वहाँ पे आप बटन प्रेस करोगे और फिर आपका एक्शन आपके स्क्रीन पर वापस से स्ट्रीम होगा। तो बेसिकली क्लाउड गेमिंग ऐसा काम करती है। पर फिल स्पेंसर कहना चाह रहे हैं कि अभी भी कॉन्सोल्स यानी कि आपके हार्डवेयर, जो आपका PS4 है, जो आपका एक्सबॉक्स वन है, जो आपका अच्छा सा हार्डवेयर, आपका बीस्ट PC है, इनकी अभी भी बहुत वैल्यू है और आने वाले कई सालों तक इनकी वैल्यू रहने वाली है। अभी के हाल फिलहाल कुछ सालों में
क्लाउड गेमिंग इसको रिप्लेस नहीं कर सकती हाल फिलहाल। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स आज की ये न्यूज देखने के लिए और इस सीरीज पे ओवरऑल सपोर्ट देने के लिए, आपका बहुत जबरदस्त सपोर्ट है आपका, मैं बता नहीं सकता कितना खतरनाक है ये। तो बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों आज की न्यूज सबकी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इस पर एक लाइक बटन हिट करना और दोस्तों के साथ में शेयर करना जो कि गेमिंग पसंद करते हैं। आने वाले वीडियोस में, आने वाली लाइव स्ट्रीम्स में मैं आपसे फिर मिलूंगा। दोस्तों मैं हूं गोल्डी, भारत माता की जय, आप सभी को प्रणाम, बैम बूम ब्रीम।